हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। माय नेम इज़ ओम सुमन सिन्हा। और व्यूअर्स, मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ फॉर बीएससी स्टैंडर्ड स्टूडेंट, क्लास 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, क्लास 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। और आई एम अपलोडिंग द वीडियो फॉर जूनियर लेवल ऑल्सो, सो प्लीज़ बी विथ मी एंड विथ माई चैनल। So in this video we are going to learn about from BSc mathematics. Okay, the topic which I am going to learn, that is the BSc mathematics or the graduation mathematics. Okay, and we are study today numerical analysis. Okay, and the topic is backward difference. Understood? So without bina waqt ka bhai shuru kiya jaye. To jaise ki hum log jante hain, hum log forward difference hum log kiye the, theek hai? Aap wo mere playlist se check kar sakte hain, to wahan se aapko forward difference table mil jayega. Aur अभी हम लोग करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल जानने के लिए पहले मुझे बैकवर्ड डिफरेंस जानना है, उसके बाद हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में जा सकते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस हम लोग किए थे। फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता था? सपोज व्हाट वाज माय फॉरवर्ड डिफरेंस, अगर हमारा एक फंक्शन था एफ एक्स, टुडे माय टॉपिक इज बैकवर्ड डिफरेंस ओके फ्रॉम न्यूमेरिकल एनालिसिस। From numerical analysis, so as you know that if fx be a function, agar fx mera ek function hai to iska forward difference kya hota tha forward difference del fx, wo kya hota tha? F of x plus h minus fx, this is the forward difference. Okay, now today we will discuss about backward difference. अगर मेरा function एक f x है तो उसका backward difference क्या होगा? ठीक है, उसको हम लोग denote करते हैं backdel. This is called backdel. Okay, backdel f x. That's equal to f of x minus f of x माइनस h, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बैकवर्ड डिफरेंस। और ये दिस इज कॉल्ड द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसको हम बोल सकते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं होप। और इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू निकालता हूं तो वो क्या आ जाएगा? दिस इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन ऑब्वियसली माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो, ये आ जाता है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स वन का मतलब
a functional value at the point x1, that is called y1 minus y0. ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा फॉरवर्ड डेल्टा y1, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड डेल्टा y1 आल्सो. ठीक है, तो ये मेरा हो गया बैकवर्ड डिफरेंस मेन थिंग्स, दिस इज द बैकवर्ड डिफरेंस. नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल. ठीक है, तो अगर मैं एक टेबल देखूं यहां से, अगर मैं लिखता हूं ओनली टेबल, ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके रिलेटेड कुछ मैथ को करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं दिस इज एक्स आई एंड दिस इज वाई आई, ओके, और दिस इज डेल्टा, ऑब्वियसली दिस इज डेल्टा वाई आई, बैक डेल्टा स्क्वायर वाई आई, नेक्स्ट बैक डेल्टा क्यूब वाई आई, नेक्स्ट बैक डेल्टा टू द पावर 4 वाई आई, दिस विल बी ओके. तो दिस इज एक्स जीरो, द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स जीरो इज वाई जीरो, दिस इज एक्स वन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई वन, एक्स टू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई टू, और इस तरह से अगर हम लोग चार वैल्यू लेंगे एक्स टू एक्स थ्री, इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगा वाई थ्री, और हम लोग लेते हैं एक्स फोर, इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई फोर. ठीक है, तो दिस वाई वन माइनस वाई जीरो, ठीक है, दिस माइनस दिस, दैट इज बैक डेल्टा वाई वन, वो मिड में होगा, उसको हम क्या लिखेंगे वाई वन माइनस वाई जीरो. ये तो हम एक लिखे हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा बैक डेल वाई टू, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा बैक डेल वाई थ्री, नेक्स्ट यहाँ पर बैक डेल वाई फोर. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बैक डेल्टा, इस मिडिल में बैक डेल्टा स्क्वायर वाई टू ऑब्वियसली, नेक्स्ट बैक डेल्टा स्क्वायर वाई थ्री, बैक डेल्टा स्क्वायर वाई फोर. ठीक है, नेक्स्ट बैक डेल्टा क्यूब वाई थ्री, बैक डेल्टा क्यूब वाई फोर, नेक्स्ट बैक डेल्टा फोर वाई फोर. ठीक है, तो ये एक बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हम लोग लिखे हैं, होप आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं. ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग एकदम इसका बीच में लिखने का कोशिश करेंगे, मतलब y0 y1 इसका बीच में हम लोग ये लिखेंगे, y1 y2 इसका बीच में हम लोग ये लिखेंगे. ठीक है, ऐसा करके लिखने का कोशिश करेंगे. तो दिस इज वन बैकवर्ड डिफरेंस टेबल टेकिंग द वैल्यूज, वैल्यू हम लोग वैल्यू ले रहे हैं फ्रॉम x 0 टू 4, और y का वैल्यू ले रहे हैं 0 टू, y का ऑब्वियसली 0 टू 4. ठीक है, तो दिस इज वन बैकवर्ड डिफरेंस टेबल. अब हम लोग देखते हैं अगर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कहीं पर दिया हुआ है तो करके आपको ये सॉल्व कराते हैं, तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा. तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग एक टेबल लिए हैं, होप आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं. वन टेबल वी आर ऑलरेडी टेकन एंड द डेटा यू आर ऑलरेडी एबल टू सी द डेटा, आप लोग डेटा देख पा रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए दिस इज एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 1980, कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू 12, एक्स का वैल्यू 1985, कॉरस्पॉन्डिंग वाई द वैल्यू ऑफ वाई फंक्शनल वैल्यू इज 15. ये हम लोग लिए हैं जस्ट
जस्ट फॉर ओनली टू अंडरस्टैंड दिस बैकवर्ड डिफरेंस टेबल. तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज माई डेल्टा बैक डेल्टा वाई वन. तो बैक यहाँ पर अगर हम लिखते हैं बैक डेल्टा वाई वन स्मॉल करके, तो वो क्या हो जाएगा, वाई वन माइनस वाई जीरो. तो ये क्या होता था, ये क्या है मेरा वाई जीरो, दिस इज एक्स जीरो, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई जीरो, ऐसा करके जा रहा है, दिस इज एक्स फाइव. तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दिस इज वाई वाई बैक डेल्टा वाई वन, दैट मीन्स 15 माइनस 12 दैट इज 3. नेक्स्ट बैक डेल्टा वाई टू, बैक डेल्टा वाई टू दैट्स इक्वल टू 20 माइनस 15 अगेन क्या होगा, वो 5 हो जाएगा. नेक्स्ट बैक डेल्टा वाई थ्री वो क्या हो जाएगा, 27 माइनस 20 दैट इज 7. बैक डेल्टा वाई फोर 39 माइनस 27 दैट इज 12. नेक्स्ट बैक डेल्टा वाई फाइव वो क्या हो जाएगा, 52 माइनस 39 दैट इज 13. होप आपको समझ में आ रहा होगा. ओके नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे बैक डेल्टा स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा बैक डेल्टा स्क्वायर वाई टू, ठीक है, वो क्या होगा 5 माइनस 3 2. नेक्स्ट बैक डेल्टा स्क्वायर वाई थ्री ये क्या हो जाएगा, अगेन 2 हो जाएगा, दिस इज अगेन 2. नेक्स्ट बैक डेल्टा स्क्वायर वाई फोर ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 दैट इज 5. नेक्स्ट बैक डेल्टा स्क्वायर वाई फाइव ये क्या हो जाएगा, 13 माइनस 12 दैट इज 1. ठीक है अब आ रहा है बैक डेल्टा क्यूब. ओके बैक डेल्टा क्यूब तो वो क्या क्या आएगा, दिस माइनस दिस तो दिस इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट बैक डेल्टा क्यूब, दिस इज बैक डेल्टा क्यूब, ये वैल्यू क्या है, बैक डेल्टा क्यूब वाई थ्री. ठीक है उसके बाद ये वैल्यू आएगा 5 माइनस 2 3. उसके बाद ये वैल्यू 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4. ओके नेक्स्ट तो ऑब्वियसली दिस बैक डेल्टा 3 ये क्या आ जाएगा, बैक डेल्टा क्यूब वाई फोर, दिस इज बैक डेल्टा क्यूब वाई फाइव, ऑब्वियसली दैट्स इक्वल टू बैक डेल्टा क्यूब वाई फाइव, बैक डेल्टा क्यूब वाई फाइव दैट्स इक्वल टू माइनस फोर. तो उसके बाद बैक डेल्टा फोर, बैक डेल्टा फोर, बैक डेल्टा फोर वाई फोर वो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 0 दैट इज 3. उसके बाद आएगा बैक डेल्टा 4 वाई फाइव ये क्या आ जाएगा, माइनस 3 माइनस माइनस 4 माइनस 3 दैट इज माइनस 7. लास्ट में आएगा बैक डेल्टा टू द पावर 5 वाई फाइव ये आएगा मेरा, और वो क्या आएगा, माइनस 7 माइनस 3 दैट इज माइनस दैट्स इक्वल टू माइनस 10. ओके होप आप लोग देख पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं होप. ठीक है तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट. और अगर हम लोग ये सब मिटा दें, ये लिखा हुआ जो अगर मिटा दें, ठीक है अभी हम मिटा दे रहे हैं, तो आपको ये और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. दिस इज वन ओनली, हम क्या करेंगे, हम ओनली नंबर्स को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ओनली हम लोग नंबर्स को रख रहे हैं. दिस इज माइनस 10, ठीक है सो दिस इज द कॉम्प्लीट टेबल. ठीक है आप लोग होप आप लोग को समझ में आ रहा है. ठीक है दिस इज द, तो दिस इज द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, ये बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है. ठीक है अब हम लोग मूव करेंगे, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में. अब हम लोग मूव करेंगे न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. ठीक है
न्यूटॉन्स, न्यूटॉन्स बैकवर्ड, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, वो न्यूटन बैकवर्ड इंटर, हम लोग फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला किए थे, आप वो मेरे प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लेके, तो यहाँ से वन वेरिएबल मुझे कंसीडर करना है, दिस वेरिएबल इज कॉल्ड एस, और दिस एस इज इक्वल टू एक्स माइनस, एक्स माइनस एक्स एन बाई एच, ठीक है, एक्स माइनस एक्स एन बाई एच, और यहाँ से मेरा एक्स आई, दिस इज एक्स आई, ये एक्स आई हो जाएगा एक्स जीरो प्लस प्लस आई एच, ठीक है, जहाँ पर i का वैल्यू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री डॉट 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 वो चल जाएगा अप टू n तक, ठीक है। तो अगर हम लोग लेंगे x माइनस एक्स एन, ठीक है, तो ये मेरा आएगा क्या एस एच, ओके, x माइनस एक्स एन माइनस वन, x माइनस एक्स एन माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, दिस शुड बी x का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स एन प्लस एस एच माइनस ऑब्वियसली माइनस माइनस होगा एक्स जीरो प्लस एन माइनस वन एच, ठीक है। सिमिलरली तो यहां से अगर हम लोग इसको तोड़ के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स एन माइनस एक्स जीरो, ठीक है, और प्लस एस एच माइनस एन एच प्लस एच, ठीक है, तो दिस इज ए आएगा एक्स एन माइनस एक्स जीरो प्लस, अगर एच कॉमन लेंगे तो एस माइनस एन प्लस ये आ जाएगा एच, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग h कॉमन लेते हैं, सॉरी h कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा s प्लस वन, दिस इज इक्वल टू h, एस एच अगर कॉमन लेते हैं तो दिस विल बी h x प्लस वन माइनस एन एच, ठीक है। और ये एक्स एन माइनस एक्स जीरो, एक्स एन माइनस एक्स जीरो, ये मेरा क्या है, एक्स एन माइनस एक्स जीरो, यही तो मेरा एन एच है, ठीक है, एक्स एन माइनस एक्स जीरो ये मेरा है एन एच, दिस इक्वल टू एन एच माइनस एच इंटू एस प्लस वन माइनस एन एच, तो एन एच कैंसिलाइज हो जाएगा, एन एच कैंसिलाइज हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा एच इंटू एस प्लस वन, ये वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद x माइनस एक्स एन माइनस टू, एक्स माइनस एक्स एन माइनस टू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिमिलरली एच इंटू एस प्लस टू, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वो क्या हो जाएगा एस प्लस एन, ठीक है, एस प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। सो द न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कैन बी रिटन एज द न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, वो हम कैसे लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज
5x दैट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वाई एन प्लस एस इंटू बैक डेल्टा वाई एन प्लस एस इंटू एस प्लस वन बाय फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई एन ठीक है प्लस डॉट 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 करके करके लिखेंगे प्लस चल जा रहा है प्रोसीड हो रहा है ये और इसका लास्ट टर्म क्या आएगा लास्ट टर्म आएगा प्लस एस इंटू एस प्लस वन एस प्लस टू प्लस डॉट 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 एस प्लस एन माइनस वन ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन इंटू डेल्टा बैक डेल टू द पावर एन वाई एन ठीक है सो दिस इज द न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ये मेरा आज आ गया यही मेरा क्या आ गया न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला ठीक है तो होप आपको समझ में आ गया होगा ये फार्मूला और आप देख भी पा रहे हैं तो इन द नेक्स्ट कंटेंट और यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को बोलना है जो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लेने के टाइम हम लोग को बोलना था पहले इंट्रोडक्शन तो वो क्या हो जाएगा वो अगर एफ एक्स एक फंक्शन है लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन एफ एक्स बी ए फंक्शन गिवेन एज वैल्यू गिवेन एज इसका वैल्यू कैसे गिवेन है एक्स वाई इजिकल टू एफ एक्स ठीक है एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन ठीक है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई वाई जीरो वाई वन वाई टू वाई थ्री डॉट 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 वाई एन दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ठीक है और phi ऑफ एक्स आई दैट्स इक्वल्स टू वाई आई दैट्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई मीन्स वाई आई मीन्स वेयर आई इक्वल टू ऑब्वियसली आई इक्वल टू जीरो वन टू डॉट डॉट एन ठीक है तो ये यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि इस फंक्शन का जो वैल्यू है y का वैल्यू एट द पॉइंट x ठीक है y का वैल्यू अगर हम जीरो लेंगे तो y0 मुझे मिल जाएगा y का वैल्यू हम वन लेंगे तो y वन का वैल्यू मिल जाएगा टू लेंगे तो टू का वैल्यू मिल जाएगा ऐसा करके ठीक है और उसी को हम लोग phi ऑफ एक्स आई डिनोट कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ से मुझे phi x फाइंड करने बोलेगा phi x फाइंड करने बोलेगा कोई एक बैकवर्ड डिफरेंस टेबल से तो हम लोग उस x वैल्यू में उस फंक्शन का क्या वैल्यू आता है वही फाइंड करना है हम लोग का टारगेट ठीक है जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस में हुआ था सिमिलरली बैकवर्ड डिफरेंस में भी सेम ही होगा ठीक है थोड़ा चेंज है पूरा चेंज नहीं है थोड़ा चेंज होगा ठीक है तो इसका रिलेटेड हम लोग कुछ मैथ देखते हैं अगर होता है आज या नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तो हम लोग एक टेबल कंसीडर करते हैं वो टेबल से आप लोग को ये पूरा चीज़ समझ में आएगा उस टेबल से अगर हम लोग एक पहले एक स्मॉल मैथ इसका रिलेटेड करते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा जैसे हम लोग को एक टेबल दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन सर्टेन लिमिट एज फॉलोज ठीक है तो क्वेश्चन क्या है ऑब्टेन मार्क्स ठीक है और नंबर ऑफ कैंडिडेट तो ऑब्टेन मार्क्स मेरा क्या है 0 to 19 उसके बाद 20 to
29, ठीक है, सॉरी 20 to 39, नेक्स्ट ऑब्वियसली 39 से 59, नेक्स्ट 59 से 79, 79 से 99, ठीक है, ये ऑप्टेन मार्क्स है। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है 41, इसे कॉरस्पॉन्डिंग कितना है 62, इसे कॉरस्पॉन्डिंग क्या है कितना है 65, इसे कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 50, इसे कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 17, ठीक है। तो मुझे बोला है एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ऑब्टेंड फ्यूअर देन 70 मार्क्स, ठीक है, मुझे एस्टिमेट करने बोला है नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑब्टेन लेस देन 70 मार्क्स, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसको टेबल में सजाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको टेबल में करेंगे, इसको अगर हम लोग टेबल में करते हैं तो डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है, बुक में इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल करके दिया हुआ है, पर हम लोग इसको बैकवर्ड डिफरेंस टेबल करेंगे। तो बैकवर्ड डिफरेंस अगर टेबल करते हैं तो क्या आएगा, एक्स वाई डेल्टा वाई वैल्यू कितना है 19 से शुरू करेंगे, 19, 39, नेक्स्ट 59, नेक्स्ट 79, नेक्स्ट 99, ठीक है। वाई का कॉरस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू कितना है ऑब्वियसली 41, 62, 65, 50, 17, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 62 माइनस 41, 62 माइनस 41 दैट इज 21, ये क्या आ जाएगा 65 दैट इज 3, ये क्या आ जाएगा 50 माइनस 65 दैट इज माइनस 15, ठीक है, ये 17 माइनस 50, माइनस 33, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर वाई, ये निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर वाई, तो अच्छा व्यूअर्स वन मिनट, यहाँ पर हम लोग को वैल्यू जो लेना है वो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेना है, दैट इज ये दिस 41, 0 टू 19 41 था, ठीक है। तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर हम लोग इसको क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये क्या आ जाएगा, दिस 41 कॉरस्पॉन्डिंग क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 41, उसके 41 प्लस 62 दैट इज 103 प्लस 65 दैट इज 168 प्लस 50 वो क्या आ जाएगा 218 प्लस 17 वो क्या आ जाएगा 235। तो ये क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 41, नेक्स्ट 103, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन हम लोग एक बार लिखते हैं, एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ऑब्टेन लेस देन 70 मार्क्स, obtain less than 70 marks, ठीक है, वो मुझे कैंडिडेट निकालना है। तो 235 हम लोग को मिल गया, 103 उसके बाद 168, नेक्स्ट 218, नेक्स्ट 235,
235। तो हम लोग एज यूजुअल जैसे निकल रहे थे, नेक्स्ट 3 माइनस 21 दैट इज दिस टेबल, फ्रॉम दिस टेबल वी आर गेटिंग 103 दैट इज 103 माइनस 41 62। नेक्स्ट 168 माइनस 103 65। नेक्स्ट 218 माइनस 168 दैट इज 50। This is 50, next this is 17, ठीक है, next this is 3, this minus this, this is 3, this should be minus 15, this should be minus 33, ठीक है, उसके बाद डेल्टा क्यू वाई, बैक डेल्टा क्यू वाई वो आ जाएगा माइनस 18 और ये यहाँ से आ जाएगा माइनस 18 और बैक डेल्टा 4y ये क्या आएगा 0, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेशन करना है कि हाउ मेनी तो यहां से एस मेरा क्या आ जाएगा, एस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस मुझे निकालना है तो एस क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स क्या बोला है कि ऑब्टेन लेस देन 70 मार्क्स, तो वो मेरा उसको हम ले लेंगे 70 एक्स को, ठीक है, माइनस एक्स एन, एक्स एन कितना है, दिस द लास्ट वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज एक्स एन, दिस इज 99 ऑब्वियसली आई एम टेकिंग डिवाइडेड बाई एच, एच देखिए एच जो स्टेप लेंथ है ये एच है, एच इजिकल टू 20, तो एच इजिकल टू क्या हो जाएगा 20 ऑब्वियसली, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो अगर हम लोग तो h इज इक्वल टू मेरा 20 है, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो s का वैल्यू क्या होगा, दिस इज x 70 माइनस 99 डिवाइडेड बाय 20, तो दिस इज माइनस 29 बाय 20, ये x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने से इसका वैल्यू जो आता है 29 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 1.45, दिस शुड बी माइनस 1.45, ठीक है। अब हम लोग उस न्यूटन जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है वो फार्मूला को हम लोग लगाएंगे और मुझे वो फाइव एक्स का जो वैल्यू है, फाइव एक्स का वो वैल्यू मुझे निकालना है, तो उसके लिए वो फॉर्मूला क्या था, वाई एन प्लस एस इंटू डेल्टा वाई एन, एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू है माइनस 1.45 और डेल्टा वाई एन, ठीक है। तो वो जो मेरा वाई एन, दिस इज माई, ये मेरा हो रहा है, दिस इज डेल्टा वाई एन, डेल्टा वाई एन, दिस इज बैक डेल्टा वाई एन, दिस इज बैक डेल्टा स्क्वायर वाई एन, ठीक है, दिस इज बैक डेल्टा क्यू वाई एन, ये वैल्यू
बैक डेल्टा क्यूब वाई एन और ये वैल्यू आ रहा है बैक डेल्टा 4 वाई एन, ठीक है। तो 1.5 - 1.45 इंटू बैक डेल्टा वाई एन दैट इज 7 × 17 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 होता था। हम लोग फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, वाई एन प्लस एस इंटू डेल्टा वाई एन बैक डेल्टा वाई एन ये होता था प्लस एस इंटू एस प्लस 1 बाई फैक्टोरियल टू बैक डेल्टा स्क्वायर वाई एन, ठीक है। यहाँ पर वाई एन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वाई फाइव होगा, 1, 2, 3, 4, 5 तो वाई फाइव होगा, ठीक है। और एस इंटू डेल्टा वाई फाइव ठीक है, डेल्टा स्क्वायर वाई फाइव ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद होगा प्लस एस इंटू एस प्लस 1 ठीक है। उसके बाद होगा और एक बार लिखते हैं प्लस एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3 डेल्टा टू द पावर 4 वाई 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे इस टेबल से। तो वाई फाइव का वैल्यू कितना है, दिस इज वाई फाइव, वैल्यू कितना है 235, बैठा दिए 235 ठीक है। प्लस एस, एस का वैल्यू कितना है -1.45 ठीक है, इनटू डेल्टा वाई फाइव, डेल्टा वाई फाइव दिस इज डेल्टा वाई फाइव, दिस इज डेल्टा स्क्वायर वाई फाइव, डेल्टा क्यू वाई फाइव, डेल्टा टू द पावर 4 वाई फाइव वाई फाइव ठीक है। तो दिस इक्वल टू 17 प्लस -1.45 प्लस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई फाइव कितना है -33 इंटू -33। होप आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं। उसके बाद प्लस यहाँ से लिखते हैं हम लोग -1.45 प्लस 1 -1.45 प्लस 2 ठीक है डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू वाई फाइव, डेल्टा क्यू वाई फाइव कितना है -18 प्लस -1.45 प्लस 1 -1.45 प्लस 2 -1.45 प्लस 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इनटू दिस इज -18 है, ये हो जाएगा 0 × 0, इसका वैल्यू 0 है। तो हमें सिर्फ इसका कैलकुलेशंस करना है, ये किसका कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग वो कैलकुलेशंस कर लेते हैं, देखते हैं वैल्यू कितना आता है, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशंस का वैल्यू मेरा आता है साई एक्स इक्वल्स टू साई एक्स दैट इज मार्क्स ऑब्टेन लेस देन 70 मार्क्स ब्रैकेट में अगर हम लिखेंगे तो इसका वैल्यू मेरा आ रहा है 198 अप्रॉक्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिक्योरिंग मार्क्स बिलो 70, हम लोग यहाँ से लिख देंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 70 मार्क्स कितना है, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है 198।
लेस देन 70 मार्क्स इज 198. तो इस तरह से ये सॉल्व हुआ. अगर आप लोग को कहीं पर लगता है कि इस देयर मे बी सम एरर और कुछ प्रॉब्लम है और कुछ एरर है, अगर आपको लोग को लगता है कि मेरे इस सॉल्यूशन में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा वो आप लोग को क्या करेक्ट लगता है. लेकिन होप इट इज़ आई होप इट इज़ ऑल्सो राइट एंड करेक्ट. सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे और कुछ अलग वीडियो लेके, मैथ रिलेटेड दूसरा कुछ वीडियो लेके. तो तब तक के लिए मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल से बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और स्टे विथ मी एंड स्टे होम. थैंक यू.